दोस्तों आज की दुनिया बहुत तेजी से एडवांस मोड में शिफ्ट होती जा रही है या एडवांस होती जा रही है, तो दोस्तों इसी के आधार पर स्टूडेंट्स उनको कोर्स करना चाहिए या उनके अकॉर्डिंग स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो होगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या हमारी तरफ से कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, आप उस चीज का लाभ आराम से उठा सकोगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आज की दुनिया पूरी दुनिया एडवांस मोड में तेजी से कन्वर्ट होती जा रही है या मतलब कन्वर्ट मतलब शिफ्ट होती जा रही है। जो फिजिकल की पहले की दुनिया थी सारे सिस्टम फिजिकली थे, मगर आज की दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है या एडवांस मोड में शिफ्ट होते जा रही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर पूरी दुनिया एडवांस मोड में शिफ्ट होती जा रही है तो हमें और स्टूडेंट्स को उसी रफ्तार में उसी स्पीड के साथ उसी एडवांस मोड में शिफ्ट होने की जरूरत होगी। दोस्तों आज की पूरी दुनिया टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होते जा रही है या शिफ्ट होती जा रही है। जिस तरह से हमारी दुनिया एडवांस बनती जा रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होती जा रही है, उसी के आधार पर हर स्टूडेंट्स को चाहिए, हर पेरेंट्स को चाहिए, उसी के आधार पर उनको स्किल जो है डेवलपमेंट कराए, कोर्स कराए। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा, मैं ही क्या सभी जानकार लोग जो आज की दुनिया जो शिफ्ट होती जा रही है एडवांस मोड में, सभी लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि इसी के आधार पर आप वैसा कोर्स करें, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करें ताकि आने वाले जो भी आपका समय है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो भी आपका समय हो, जो आप अपने लाइफ को अच्छे बेटर बना सकते हो, उस टाइम तक वो स्किल्स आपके अंदर जो स्किल्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपने फ्यूचर को अपने गोल को अचीव कर पाओगे। दोस्तों इसी के आधार पर आप लोगों को कुछ कोर्स सजेस्ट करूंगा, साथ ही जो उसका फायदा है आप लोगों को वो भी सजेस्ट करूंगा। तो दोस्तों मैं सिंपली आप लोगों को बता दूं कि आजकल सारी दुनिया डिजिटली शिफ्ट होती जा रही है। जैसे आप मान लो कि जो आपका शॉपिंग करते थे ऑफलाइन जाकर, सारी दुनिया को मेट्रो सिटी हो या एक छोटी सिटी हो या आप विलेज तक सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन सुविधा वहां पे मार्केटिंग को लेकर सुविधा उपलब्ध होती जा रही है। दोस्तों साथ ही जो एग्जाम्स होते थे सारे ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी फिलहाल में जो एग्जाम दे रहे होंगे वो सारे ऑनलाइन मैक्सिमम देते जा रहे होंगे, मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑनलाइन एग्जाम देते होंगे, ठीक है ना। जैसे कॉम्पिटिशन का ऐसे फिजिकली मान लो कोई कोर्स करते हो आपके तो वो ऑफलाइन होता है, परंतु जितने भी आप एडवांस जैसे टेक्नोलॉजी के आधार पर आप कोर्स करते हो या कंपटीशन देते हो तो सारी चीजें मैक्सिमम ऑनलाइन आपका एग्जाम दिया जाता है। आपको जो भी चीज चाहिए सारी दुनिया वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट होती जा रही है, तो आप लोग अपने अंदर जो स्किल्स है इसके अकॉर्डिंग ही कोर्स करो या उस तरह के स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो, कहीं से आप ट्रेनिंग ले लो तो ये ज्यादा बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए भी और गोल होगा अचीव करने के लिए भी। तो दोस्तों करंटली जो एडवांस मोड में दुनिया शिफ्ट होती जा रही है उसी के आधार पर कुछ कोर्स आपको शेयर करूंगा जो अभी फिलहाल में और साथ ही आने वाले समय में भी आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। वो कोर्स करने के बाद आप उसको ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला होगा आप उस कोर्स को करते हो तो। जैसे मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा, अब फिजिकली बात करें, कोई भी इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी तो बीमार पड़ता है, मतलब उसका हेल्थ खराब होता ही है, किसी भी कल्चर में रहता हो किसी भी क्लाइमेट में रहता हो उसको कहीं ना कहीं तकलीफ हेल्थ को लेकर होता ही है। तो दोस्तों प्रायोरिटी होगी सबसे पहले आज है कल है आने वाले फ्यूचर में कभी भी एनी टाइम यूटिलाइज होने वाला है वो है स्किल्स, मेडिकल कोर्स आप करो, ठीक है ना। मुझे उतना आइडियाज नहीं है मेडिकल को लेकर इसलिए मैं आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूं, मगर मेडिकल के रिलेटेड आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको इन एनी टाइम जो एडवांस दुनिया हो चाहे कोई किसी भी तरह का दुनिया हो थोड़ा सा आप एडवांस बनके काम करेंगे, सीखेंगे, स्किल्स अपने अंदर डेवलप करेंगे ना हेल्थ रिलेटेड कोई भी कोर्स को लेकर, तो ज्यादा आपको फायदेमंद साबित होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेकेंड कोर्स की, हम प्रायोरिटी देंगे आपको इंजीनियरिंग फील्ड की। दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्टूडेंट साइंस के तरफ जाते हैं और जाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेटर कोर्स होता है क्या इंजीनियरिंग। अब इसमें भी अलग अलग कोर्स है, ट्रेड है और स्किल्स है, तो आपको ध्यान देना होगा कि अभी फिलहाल में कौन सा ऐसा कोर्स है जिसका डिमांड अभी है आने वाले टाइम में भी होगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे आईटी सेक्टर को लेकर।
दोस्तों फिलहाल में जो अभी कोर्स का डिमांड है वो आईटी सेक्टर को लेकर है। आईटी सेक्टर का ही अब वर्चस्व कायम होगा क्योंकि सारी दुनिया एडवांस मोड में जा रही है, डिजिटली शिफ्ट हो रही है। तो आईटी का सबसे बड़ा अहम रोल अभी से ही स्टार्ट है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कोर्स भी करने चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड को लेकर। अब इंजीनियरिंग फील्ड को लेकर आप उसमें आईटी सेक्टर एक हो गया, दूसरा है रोबोटिक्स को लेकर। आजकल सारी दुनिया रोबोटिक्स के ऊपर डिपेंड करने लगी है। अभी मैन पावर बहुत कम यूटिलाइज होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जहां पर पहले बहुत सारे मैन पावर यूटिलाइज होते थे, वहां पर बहुत सारे लोग काम करते थे। परंतु सारे सेक्टर, जैसे कोई भी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है ना, प्रोडक्शन का हो, एलिमेंट को लेकर ले लो, असेंबली को ले लो, सारी चीजें मशीन पे शिफ्ट होती जा रही है। मेन पावर जो है, आदमी जो वहां पे काम करने वाले हैं, उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। सारे रोबोट्स के माध्यम से रोबोटिक्स होती जा रही है सारी मशीन। तो दोस्तों आपको चाहिए कि इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो तो रोबोटिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाले समय में भी, आज भी है और आने वाले तेजी से आगे बढ़ेंगे ना, सारी चीजें सब रोबोटिक्स के ऊपर डिपेंड होती जा रही है। अब मैं आगे बात करूंगा कि आप किसी भी सेक्टर में जाते हो तो आपको फाइनेंस को लेकर जरूर काम पड़ता होगा, ठीक है ना। तो फाइनेंस को लेकर आप अकाउंट को लेकर ज्यादा कोई भी कोर्स हो, कोर्स कर लो, या फिर आप छोटा डिप्लोमा कोर्स ही कर लो, या फिर आप कोई स्किल्स उसके अकॉर्डिंग सीख लो, टैली कर लो। स्किल्स क्या होता है, आप बहुत सारे एक्टिविटीज में से प्रैक्टिकली भी होता है तो प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, वो आपके अंदर स्किल्स है। तो दोस्तों आपको अकाउंट का नॉलेज हो तो आपका फ्यूचर मतलब एक तरह से अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब साथ ही बात करेंगे ऐसे तमाम कोर्स है जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा आपको मुकाम हासिल करा सकता है। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करना चाह रहा था कि आप जितने भी एडवांस मोड की दुनिया है, जो एडवांस मोड पे शिफ्ट होती जा रही है, उसी के आधार पर कोई भी कोर्स करो, कोई भी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो तो आपको ज्यादा फायदा होगा आज के लिए, कल के लिए, एनी टाइम, सभी दिन के लिए। तो दोस्तों आप लोग को चाहिए कि इसी के आधार पर जैसी दुनिया है वैसे हमें बनना चाहिए, ठीक है ना। मैं इतना ही कहूंगा कि जैसी दुनिया है, जैसा डिमांड आ रहा है लोगों का, जिस तरह से दुनिया डेवलप हो रही है, उसी के आधार पर आपको भी अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करना होगा। तो दोस्तों मैं कुछ इसमें और कोर्स बता दूं जो स्किल्स को लेकर है। जैसे मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग को लेकर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, स्किल्स अपने अंदर ला सकते हैं, और ब्लॉगिंग के माध्यम से जैसे वेबसाइट को लेकर काम करना हो गया, उसके साथ ही साथ आपके अंदर स्पोर्ट्स को लेकर अगर हुनर है तो स्पोर्ट्स में आप एनी टाइम जा सकते हो, स्पोर्ट्स का भी ज्यादा अभी डिमांड है। और तमाम ऐसे कोर्स हैं, उस कोर्स के बारे में शेयर करने लगूं बारी बारी तो बहुत सारी मतलब यहाँ पे कोर्स निकल के आएगी, इसलिए मैं आपको अपने अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज करिए, उसी के आधार पर आप काम करिए, ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तमाम तरह के कोर्स हैं अगर आपको करना चाहते हैं तो, तमाम तरह के कोर्स है। इसमें थोड़ा सा आपको अपने माइंड लगाना होगा, अपने पर्सनालिटी को ऊपर ध्यान देते हुए अपने कोर्स को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है ना, आप अपने आधार पर कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो। वो तो मान लो कि मैं 10th और 12th को लेकर बताया था, परंतु ये मैं आज का जो वीडियो है ये सभी के लिए है, जो कोर्स कर लिए हैं या कोर्स करने वाले हैं या फिर जो जॉब करते हैं उनको भी ये सजेशन है कि वो आज की जो दुनिया है उसके आधार पर वो अपने आप को डेवलप करे, ज्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को कुछ लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस तरह का जो बेनिफिट्स है उनको भी मिल सके। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।